वेलकम एवरीवन। आज हम लोग कॉडिक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर बात करेंगे। ये जो नोटिस है ये निकला है आपके विट मिर्सा से, जो कि आपके बिहार में है। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो ये फिर रांची में है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशंस कैसा है। तो एक बार नोटिफिकेशन को कैसे अप्लाई करना है उसको एक बार देख लेते हैं और इस कॉलेज के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो नेट पे जाके आपको लिखना होगा BITMESRA, जो कि कॉलेज का नाम और पता है .ac.in। ये आपको लिखना होगा BITMESRA.ac.in। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो कॉलेज का जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका आ गया बिट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप सबको ही पता होगा, जो कि आपके रांची में। तो यहाँ पर उनके कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं कॉलेज एडमिशन का, तो ये आपको क्रॉस करना है। ये देखिए, फिर आपको यहाँ पर कॉर्नर में जाना है करियर, करियर में जाके आपको खोलना है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे ये एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, सबसे पहले आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजिशन एंड लैब असिस्टेंट पोजिशन एट बिट मिर्सा एंड इट्स ऑफ कैंपसेस। तो ये आपके फैकल्टी पोजिशन है जिसमें आपके प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछा गया है। चलिए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे तरीके से देखते हैं। नोटिफिकेशन में ये क्लियरली बताया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। और ये बेसिक सैलरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है वो बेसिक स्टार्ट होता है 57,700 प्लस अलाउंसेस, मतलब वही आपका आ गया 70,000 to 80,000 रुपीज आपको इन हैंड मिलेगा। इसमें हम लोग अगर सब्जेक्ट देखें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें पहला है आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, यहाँ पर है सिविल और सिविल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फिर है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और लास्ट में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसमें देखिए आपका अलाइड सब्जेक्ट है किसमें आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपना PhD या फिर जो नेट है वो इन सब्जेक्ट में, जैसे फाइनेंस, स्ट्रेटजी, बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, इन सब सब्जेक्ट में निकाला है, तो आप मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके अलाइड सब्जेक्ट्स है और ये है आपके मेन सब्जेक्ट्स। तो चलिए, इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है फॉर 15 जुलाई 2024। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहोगे तो आपको फिर से नोटिस में वापस आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जुलाई आखिरी डेट लिखा हुआ है और ये आपका पोस्टेड डेट है, मतलब जिस दिन पोस्टिंग किया गया था 2 जुलाई। तो यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे। अप्लाई ऑनलाइन के बाद आप जैसे नेट का फॉर्म भरते थे वैसे ही आपका प्रोसीडियर चलेगा। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन भरोगे और फिर आपने सारे डिटेल्स जो है वो सब फिलअप करोगे। तो ये तो यूजुअल प्रोसेस है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे मैं मेंशन करना चाहूँगा। देखिए, एप्लीकेशन फी फॉर ऑल फैकल्टी पोजीशंस ये है INR 1770 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के लिए वहीं पे फीस है 1180। तो ये आप लोग के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए भरना चाहते हैं, आपको ये इग्नोर करना है। फॉर द पोजीशन फॉर लैब टेक्नीशियन द फी इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹500। तो ये लाइन आपको इग्नोर करना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यही लाइन सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कैटेगरी वाइज आपको कितना यहाँ पर पेमेंट करना होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो बात है, फॉर ऑल द पोजिशंस आपको हार्ड कॉपी भेजना होगा ऑफ द एप्लीकेशन इज मैंडेटरी
बी सेंड टू बीट मिर्सा एड्रेस. तो बीट मिर्सा का जो एड्रेस होगा उसमें आपको एक हार्ड कॉपी सेंड करना होगा. जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तब उसमें एक हार्ड कॉपी आपको सेंड करना होगा. ये मैं अपने तरफ से एक मतलब सजेशन दे रहा हूँ कि आप जब भी ये हार्ड कॉपी सेंड करेंगे उसी के साथ आप जब पेमेंट करेंगे उसका एक प्रिंट आउट भी जरूर सेंड कीजिएगा. तो यहाँ पर अंदर जब आप फॉर्म भरेंगे तो बीट मिर्सा का एड्रेस मिल जाएगा. अगर एड्रेस ना मिले तो यहाँ पर देखिए आप ये लाइन कॉपी कीजिए, बीट मिर्सा एड्रेस, कंट्रोल सी, यहाँ पर गूगल को ओपन कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, इंटर. तो यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस मिल जाएगा. झारखंड ये है आपका पिन कोड जिस पर आपको भेजना है. तो आई एम श्योर कि अंदर आपको पूरा एड्रेस अच्छी तरीके से मिल जाएगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ये था आज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी. अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इसे ज़रूर फिलअप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में.